धर्मेश जोशी जो अध्यक्ष है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुजराती सेल उत्तर मुंबई के साथ ही तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका द्वारा मुंबई स्थित दहिसर पूर्व में शक्ति सेवा संघ विद्यालय में भव्य कार्यक्रम में सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों आइडियल स्टडी एप्स लॉन्च किया गया जिससे कि बच्चों को शिक्षा मिल सके। इस ऐप के माध्यम से बच्चे अपनी पढ़ाई कहीं भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत सांसद गोपाल शेट्टी, समाज सेवक राम कुमार पाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय एल डुबे के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां 10 क्लास के बच्चे भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्हें आए हुए अतिथियों के हाथों एस फ्री फॉर्म दिया गया। इस दौरान अल्फा पटेल, ध्वनि पटेल, जागृत वुमेन चाइल्ड वेलफेयर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीप्ति विशाल मल्होत्रा, नीतू प्रभार, डॉक्टर एसडीपी मिश्रा उपस्थित रहे। आए हुए सभी अतिथियों को फूल गुच्छ और समाज चिन्ह देकर धर्मेश जोशी ने सभी का स्वागत किया। यह कार्यक्रम देशभक्ति के रंग में रंगा दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। जोशी जी है उत्तर मुंबई गुजराती सेल के अध्यक्ष है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़े पैमाने पे काम करते हैं। आज स्कूल के बच्चों को एक आइडियल ऐप के माध्यम से एजुकेशन में उनको कैसे लाभ हो उसका वो प्रयास कर रहे हैं। आज उन्होंने कुछ 150 बच्चों को अपने साथ जोड़ा है। आने वाले दिनों में संख्या बढ़ेगी और उस ऐप का आज लॉन्चिंग मेरे हाथ से उन्होंने किया है। मैं धर्मेश भाई और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूँ। जो बच्चे हैं यहाँ पर उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाने का एक ही जरिया है कि आप एजुकेटेड जितना हो उतना तेज़ी से देश हमारा आगे बढ़ेगा। और ये अच्छा पहल है ऐसा मैं मानता हूँ। धीरे धीरे सभी लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफिस का काम भी हो सकता है। लेकिन डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट जो मोदी जी ने लाया उसका कितना लाभ देश को हो रहा है ये हम सब लोग अपनी नज़र के सामने देख रहे हैं। आने वाले दिनों में डिजिटल के माध्यम से ही बहुत सारा काम चलेगा और उसका प्रयास मेरे मतदार संघ में धर्मेश भाई ने किया, इसलिए मैं निश्चित एक सांसद के नाते उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐप बनाकर पूरे देश में एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं अजय भाई और धर्मेश भाई और निरुलकर। और साथ साथ में ये भी है कि सोशल मीडिया की ताकत आपने लाल सिंह चड्ढा में देखा होगा, उसी ताकत के हिसाब से ये ऐप जो आजकल जंगली रम्मी चलता है उसके ऊपर रहे, उसको दबाए। आज विद्यार्थी रात को जंगली रम्मी खेलकर अपना घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं और ये प्रोत्साहन ये दूसरे फिल्मी हीरो हीरो लोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये गलत है। इसमें हम लोग समाज के लोग इसको जितना आगे बढ़ा सके और ये ऐप से बच्चों को फ़ायदा मिले और ट्यूशन से बचत होगी, ट्यूशन का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है वो कम होगा, ये ग्लोबल तक जाए, ये दुआएं करता हूँ। और साथ साथ जो भी मेरा सहयोग चाहिए धर्मेश भाई अजय भैया को मैं हमेशा खड़ा हूँ। हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए आज हमारे पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज इस पर्व पे इतने अच्छे एक शुरुआत की है धर्मेश जोशी जी ने तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, जिस तरीके से बच्चों को एक शिक्षा दीक्षा देने के लिए जो एक ऐप इन्होंने बनाया है और उसके लिए मैं ढेर सारी इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस तरीके से ये ऐप जो है ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचे ताकि उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ 75 के महोत्सव, अमृत महोत्सव का मैं बहुत अच्छे बढ़िया स्वागत करता हूँ। आज मैंने ये तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से जो प्रोग्राम रखा है उसका लॉन्चिंग है। ये ऐप मैं आइडियल ऐप लॉन्च कर रहा हूँ मंदार भाई के साथ मिलकर कोलाब्रेशन के अंदर। इसका मेन रीज़न ये है कि कुछ परिस्थिति कुछ समय ऐसे देखे हैं मैंने जहाँ पर शिक्षण थोड़ा सा मैंने भी कम लिया है कुछ परिस्थितियों के हिसाब से, और कुछ समस्या ऐसी रहती है जीवन के अंदर कि हम बता नहीं सकते। तो ये ऐप मैं फ्री में दे रहा हूँ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जो ट्यूशन फ़ी
और दूसरे खर्चे नहीं कर सकते हैं उसके लिए मैं हर घर पहुंचना चाहता हूं, हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं। जैसे मोदी साहब ने कहा है कि हर घर तिरंगा, तो मेरा भी ऐसा एक नारा है कि हर घर एजुकेशन। तो मैं ये ऐप फ्री में दे रहा हूं, मेरे साथ मेरे ट्रस्ट में और भी सहयोगी जितने भी जुड़ेंगे भविष्य के अंदर, और मुझे जितनी मदद मिलेगी इस उस हिसाब से मैं इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। और आज मैं मुझे मौका मिला है हमारे HB मिश्रा जी, जो हमारे चाचा जी भी है, काफ़ी सालों से इनसे परिचित है, बच्चे के जैसा मुझे समझते, उस हिसाब से उन्होंने आज मुझे पहला उनके स्कूल में ये चांस दिया है कि भाई मैं ये ऐप को लॉन्च करूं। आज ये लॉन्च किया है और बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। आज़ादी का पर्व चल रहा है और 75 ईयर्स हो रहा है और आज से शुरुआत 13, 14, 15 तीन दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में जा रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। और उनकी माँ का जो चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज ये पहला कार्यक्रम हुआ है, और मैं आगे भी बताया और वापस अभी बताना चाहता हूँ कि जीवन में तीन ऋण अगर आप नहीं चुका सकते हैं, एक तो अपना मातृभाषा का, दूसरा मातृभूमि का, और जिस माँ ने जन्म दिया है और उसका आप ऋण कभी चुका नहीं सकते। तो उन्होंने एक ये माध्यम से एक प्रयास किया है कि सारे लोगों को करंट में आ जावे और ये ऐप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री में दिया जा रहा है, और एजुकेशन के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को और आगे बढ़ाओ एक और कार्यक्रम जोड़ा है उन्होंने। उनके लिए मैं धर्मेश जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तारामाई चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये जो लॉन्च किया गया है ये बहुत अच्छा प्रयास है, और उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं जहाँ सुविधाएं कम मिलती हैं और ट्यूशन के भी उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी ये ऐप के द्वारा वो घर में भी आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है और बहुत अच्छा काम ये ट्रस्ट कर रही है। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट धर्मेश भाई को जितना भी साधुवाद दिया जाए कम है। मैं मुंबई से हूँ, मैं डॉक्टर SB मिश्रा इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हूँ। ये बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें पैसे भी चाहिए और पढ़ाई भी, तो वो डे में काम करते हैं और नाइट स्टडी करते हैं, बट उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो इस ऐप से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, हमारा टाइम यूटिलाइज हो सकता है, और सबसे पहली बात हमें क्रिएटिविटी आएगी, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो इस ऐप से बच्चे जो है गलत चीज़ ना देख करके ये ऐप देखेंगे, इस ऐप में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें हेल्प मिलेंगे, और जिससे हमारा ब्राइट फ्यूचर है। जैसे कहते हैं बूंद बूंद दरिया दरिया, वैसे ये छोटा सा स्टेप है और ये स्टेप सर के वजह से बहुत आगे तक जाएगा, ये मैं सोचती हूँ। और ये 100% राइट है, सर ने जो भी ऐप किया है, तो आई विश ये बहुत अच्छा हो और ये हेल्पफुल है बहुत। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आप सबके बीच में आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय श्री धर्मेश जी को, जिन्होंने इस ऐप के माध्यम से बच्चों के विकास के लिए जो ये ऐप लॉन्च किया है, डेफिनेटली ये आगे चल के भारत के घर घर तक जाने वाला है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो इस ऐप के माध्यम से बहुत ही अच्छी शिक्षा को ले पाएंगे। तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज जो आइडियल ऐप का हम लोग ने लॉन्च किया है, एक सेवा भाव कह सकती हूँ, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि जैसे दूसरों के सुख में आपका सुख है। हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, पर हमेशा हमें बड़ों ने सिखाया है बचपन से कि हम क्या दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना देश, हम बोलते देश ने हमारे लिए क्या किया है, मैं कहती हूँ कि हमें ये कहना कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के विकास के लिए, और उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। जब आप शिक्षा को महत्व देते हैं, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य है, अगर यही पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ आगे बन पाएंगे, तभी वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं इस माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से कोशिश करूँगी हर घर तक इस ऐप से, ऐप के द्वारा हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आगे जाके हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहूँगी, बट उसके साथ इंग्लिश भी ग्लोबल लैंग्वेज है तो उससे भी प्रयोग करूँगी। धर्मेश जी ने अपने NGO के माध्यम से इसके माध्यम से फर्स्ट स्टेप बच्चों के लिए कि
यूनिसेफ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, धर्मेश जी ने जो स्टैंड लिया है उन बच्चों के लिए जिन तक किताबें इजीली नहीं पहुँच पाती, जिन तक एजुकेशन, हम हमारे बच्चों को आराम से किसी भी तरह की फ़ीस दे के पढ़ा सकते हैं, लेकिन धर्मेश जी ने अभी जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, उन्हें किताबें, क्वेश्चन पेपर्स, सारी की सारी चीज़ें ऐप द्वारा मिल रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं नीतू कौशिक प्रताप वसई से आई हूँ और मुझे जस्ट कल भाभी ने बोला था कि हम लोग जो है वो एक स्कूल के अंदर जो है वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो फ्री में एक एजुकेशन ऐप दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा सोची थी कि क्या एप्लीकेशन रहेगा, जैसे ये बाइजू वगैरह जो है बहुत सारा कॉस्टली रहेगा तो ये मिडिल क्लास के बच्चों को क्या, लेकिन भाभी ने थोड़ा मुझे हिंट दिया कि ये जो है एप्लीकेशन जो है वो गरीब बच्चों के लिए ही है। ये जो भाभी ने जो बोला था वो वर्ड मेरे माइंड के अंदर एकदम से सेट हो गया कि गरीब बच्चों के लिए कि भी कोई सोच रहा है, तो फिर आज मैं स्पेशली आई और ये इवेंट देखा, इवेंट देख के मैं बहुत खुश हो गई कि चलो कोई तो गरीब लोगों के लिए भी कोई सोचता है। पापा लोगों के हेल्प के लिए स्टेप ले रहे, उसमें किस तरह से आप जुड़े और आपको क्या लगता है, आपने भी स्टडी किया और क्या लगता है ये जो ऐप है ये कितना ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, कितना ज़्यादा स्टडी में मदद करेगा? सो आज जैसे हमने प्रोग्राम में देखा कि लड़कियों को अभी भी पीछे हम मानते हैं कि लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बट ये सब लड़कियों के लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट ये सभी बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, ये ऐप उनके लिए है जो कहीं पर भी बैठकर ये आपके द्वारा स्टडी कर सकते हैं, एटलीस्ट अपना एक 10th स्टैंडर्ड तक हम कंप्लीट कर सकते हैं हमारा स्टडीज़, जो बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशनों के लिए।